Hello, my dear students, how are you all? So, as you all know, we are talking about the Mughal Empire, and this is the part 2nd for class 7. So, as you all know, I have explained you about the topic of this chapter, Mughal Empire. Babar ke baare mein humne aapko samjha diya tha, first battle of Panipat. I have explained you earlier क्या लाइनेज है मुगल का, आगे बात करेंगे हम लोग मुगल एम्पायर का क्या लाइनेज रहा है स्टार्टिंग से उसके बारे में. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द टॉपिक दैट वील डिस्कस टुडे इज गोइंग टू बी हुमायूं. सो हुमायूं वॉज द सेकेंड मुगल रूलर जो कि बाबर के बाद आए थे. बाबर के बाद उन्होंने थ्रोन संभाला था मुगल एम्पायर का. सो नसीरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नोन एज हुमायूं, सक्सीडेड हिज फादर बाबर एज द एम्परर इन 1530. ऑल्दो द मीनिंग ऑफ हिज नेम हुमायूं वॉज फॉर्चुनेट, उसके नाम का, हुमायूं के नाम का मतलब था फॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट मीन्स लकी होना, बट ऐसा कुछ रहा नहीं उनके साथ. आगे पढ़ते हैं ऐसा क्यों नहीं रहा. He led an extremely turbulent life. He faced series of the problems after ascending the throne. Throne संभालने के बाद, मतलब राजा बनने के बाद, मुगल एम्पायर अपना शासन संभालने के बाद कई सारी ऐसी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स मुगल एम्पायर हुमायूं के सामने आई थी, जिनकी वजह से उनका जो एम्पायर था वो थोड़ा सा डगमगा गया था. वो क्या प्रॉब्लम्स थी पढ़ते हैं. हुमायूं हैड टू फेस द हॉस्टिलिटी ऑफ द अफगान्स लेड बाय शेर शाह सूरी एंड बहादुर शाह जफर, द रूलर ऑफ गुजरात. सो उनको हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ी थी. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडली बिहेवियर या फिर अपोजिशन. बहादुर शाह का और शेर शाह सूरी का उन्हें अपोजिशन फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका सल्तनत जो थी वो डगमगा गई थी. कैसे, आगे बढ़ते हैं. हुमायूं वॉज इनिशियली सक्सेसफुल अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, हाउएवर बहादुर शाह सून रेस्टेड बैक गुजरात एंड मालवा. हालांकि हुमायूं उनसे जीत गए थे इनिशियली, बट उसके बाद क्या होता है कि बहादुर शाह जो थे वो अपने गुजरात में, मालवा में लौट चुके थे. आगे पढ़ते हैं. शेर शाह डिफीटेड हुमायूं डिसिसिवली इन द बैटल्स ऑफ चौसा एंड कन्नौज. तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हुमायूं डिसिसिवली हार गए थे शेर शाह से, और डिसिसिवली का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ डिसिसिवली इज टू रिजॉल्व अ इशू या फिर उसको हार के मतलब हट जाना उससे. नाउ बैटल्स कौन सी, चौसा, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज जो 1539 और 1540 में हुई थी, उनसे, उन बैटल्स के चलते वो हार गए थे. दीज डिफीट्स फोर्स्ड हुमायूं टू फ्ली टू काबुल एंड देयर आफ्टर पर्शिया वेयर ही टुक शेल्टर अंडर सफाविद शाह. सो उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं को भागना पड़ता है, हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ता है मजबूरन काबुल. फिर उसके बाद वो पर्शिया जाता है, जिससे कि जिसमें वो अपने एक शेल्टर लेता है, सहारा लेता है सफाविद शाह से. शेर शाह सूरी डाइड इन 1545 एंड हिज सक्सेसर प्रूव टू बी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट. दे वर अनेबल टू सस्टेन हिज एम्पायर. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन हुमायूं रीकैप्चर दिल्ली एंड आगरा इन 1555 एंड रीस्टैब्लिश द मुगल रूल. सो उसके बाद क्या होता है कि शेर शाह सूरी एक्सपायर हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं 1545 में, और उसके जो आने वाले सक्सेसर्स होते हैं वो एम्पायर को संभालने में कॉम्पेटेबल नहीं होते बेसिकली. सो उसका एडवांटेज लेते हुए हुमायूं वापस आता है 1555 में, और अपना मुगल का एम्पायर, मुगल रूल दोबारा से उनको हरा कर अपना शासन स्टेबल कर देता है वहां पे. हाउएवर हिज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड एज ही डाइड इन 1556 ड्यू टू द इंजरीज कॉज्ड व्हेन ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी. हालांकि ये जीत बहुत लंबी जीत नहीं चली, वो अगले ही साल, उसके एक साल के बाद डाइड, मर जाते हैं, और ड्यू टू द इंजरी ही फेस्ड व्हाइल फॉलिंग डाउन स्टेयर्स फ्रॉम द लाइब्रेरी.
सो उसके बाद क्या होता है मुगल सल्तनत का, उसके बाद कौन आता है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एज यू ऑल नो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट नोन मुगल एम्पायर अकबर। अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 एट अमरकोट व्हेन हुमायूं वॉज इन एग्जाइल, मतलब जब हुमायूं भाग चुके थे उसके बाद जन्म हुआ था अकबर का। आफ्टर हुमायूं'स डेथ इन 1556 हिज 13 ईयर ओल्ड सन अकबर वॉज क्राउंड द किंग with Bairam Khan as his regent. So at the age of 13 Akbar ko raja bana diya gaya tha aur Bairam Khan jo the wo unke regent the. The meaning of regent is to aisa banda, aisa person jo ki raja ke saath rehta hai, raja ko administer karta hai, because jab raja bahut chhota hota hai, 18 plus nahi hota hai, to ek regent rakha jata hai to administer the state. So his accessions to the throne gave Hemu the journal of the Afghan leader Adil Shah Sur an opportunity to occupy Delhi and Agra. So Hemu ko ek jo wahan ke Afghan ke ruler the unko ek opportunity mili, because जो मुगल एम्पायर मुगल को डायनेस्टी को संभालने वाले अकबर थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे, तो उन्होंने सोचा इट इज अ वेरी गुड चांस टू अक्वायर मुगल एम्पायर। सो हेमू बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली फॉर शॉर्ट पीरियड। हेमू ने वो जीत ली थी, बट हेमू वॉज रिमेन देयर फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन द बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 हेमू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बायराम खान। The Mughal reoccupied Delhi and Agra after the defeat of Hemu. So, second battle of Panipat में Bairam Khan ने Hemu को defeat कर दिया था, उन्हें हरा दिया था और अपना मुगल शासन को दोबारा से recapture करके Delhi और Agra में अपना राज स्थापित कर दिया था। Akbar freed himself from the guardianship of Bairam Khan and took the reins of the empire in his own hand. In 1560 में अकबर ने सारी बागडोर जो थी वो अपने हाथों में ले ली थी। After resolving the internal issues, he turned his attention towards the territorial expansion of the empire. So अंदर के एम्पायर के जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर उनको सही कर अकबर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सिर्फ एक था कि हमें अपना एम्पायर एक्सपेंड करना है इंडिया में जितना पॉसिबल हो सके। सो ऑन दिस नोट आई एम जस्ट सेइंग यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गो थ्रू द पार्ट्स ईच एंड एवरी पार्ट एंड रिवाइज योर सिलेबस।